हमें ये आटे के लिए ये भिखारी बना दिया इन लोगों ने। ये आटा मिला आपको? जी नहीं बेटा, गरीब या मजदूर या क्रांति आटे की लाइन में लगा दिया है। इनकी इनकी जो एक दहनीयत है अपने हक के लिए लड़ने की, वो इनसे छीन ली है। आटा मिला आपको? नहीं अभी मिला नहीं, अभी दूर तक आपको यहाँ पर हजारों खवातीन और मर्द मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को आटा नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा जुल्म क्या है? अपने हुक्मरानों को गालियों के अलावा मेरे दिल में इस वक्त कोई और जज्बा नहीं हो रहा है। इधर हमारे जो पाकिस्तानी वो कह रहे हैं हम पे हो रहा है, हमारे हुक्मरानों ने इनको भिखारी बना दिया। कहाँ बैठे हम, 6 बजे के बैठे हुए, कोई बात ही नहीं सुन रहा। कोई इतना मैं भी बेटियां हैं, 6 एक बेटा है, वो अपनी फैमिली का। पाकिस्तान के लोग रमजान के महीने में अपनी नमाज छोड़ के आटो की लाइन में लगे पड़े हैं। लुगाइयां औरतें रोने लगी, आंखों में आंसू है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आटे के लिए। दोस्तों क्या है पाकिस्तान की सिचुएशन, चलिए देखते हैं। बेहिस हमारे हुक्मरान है और बेहिस हमारी कौम है, तो उन्होंने आटे की लाइन में लगा दिया है। इनकी इनकी जो एक दहनीयत है अपने हक के लिए लड़ने की, वो इनसे छीन ली है। अपने हुक्मरानों को गालियों के अलावा मेरे दिल में इस वक्त कोई और जज्बा नहीं है। दूर दूर तक आपको यहाँ पर हजारों खवातीन और मर्द नजर आएंगे। इसी आस और उम्मीद में है कि ये बारिश कुछ कम हो और इंतजामिया वापस यहाँ पर आए और इनको एक आटे का थैला मिल जाए। हमारे हुक्मरानों ने इनको भिखारी बना दिया। पाकिस्तान को ये भिखारी, हम भिखारी मुल्क बनाना चाह रहे थे, ये कामयाब हो गए। इस मुल्क को भिखारी बनाने में वो हमारी माओ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को। ये आटा मिला आपको? जी नहीं बेटा, गरीब या मजदूर या किराए रहने, इन्हें क्या सीखे कि गरीब नहीं रहने देना, बाकी नहीं रहने दे रहे। बेशक तो सानू मारी ही जान दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, नहीं देंगे, अभी नहीं दे रहे, अभी नहीं दे रहे, वगैरह बारिश रुकेगी बाद में देंगे। आटा मिला आपको? नहीं अभी मिला नहीं, अभी आया हूं। अभी आए छोटे छोटे बच्चे उनको साथ लेके, बारिश शदीद बारिश में, अब घर में किसके पास छोड़ के आना था, इसलिए साथ लेकर आना पड़ा। ये कह रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं, गिली गिली है, यहाँ पानी से नीचे लीक कर लग गया, बच्चे लोग किस तरह बैठ गए, हम की कह रहे थे बैठे थे, सर एक आटा नहीं है तक मिल गया है, वो हो गया, हमें तो कोई आटा मिला ही नहीं, हम छोटे छोटे बच्चे खाने वाले इतनी मुश्किल से मकवाने से आए हैं, उधर से भी आटा नहीं मिला, इधर से भी आटा नहीं मिला, ज्यादा परेशान हम तो हो गए, घर से भी जलील होते हैं, बच्चों को बच्चों की देखभाल भी नहीं अच्छे से कर सकते, बाहर निकल आते तो आटा भी नहीं मिलता, फिर जलील हो के घर वापस चले जाते हैं। ऐसी गवर्नमेंट ने गोली मारनी है किसे? भाजी आटा मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला था, यहाँ पे आटा लेने के लिए आए, जलील हो रहे यहाँ पे, क्या कह रही है, बारिश में यहाँ पर खड़े, कह रहे हैं कि कुर्सी पर बैठे, कुर्सियाँ गीली होगी, गीली कुर्सी पे कौन बैठेगा, ऊपर से बारिश की लाइनें तो लगी हुई है लेकिन आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, इतनी शदीद बारिश में और लोग कैसे खड़े हैं, लाइनें लगा के खड़े हैं और आटा मिल नहीं रहा, आटा नहीं मिल रहा, की करिए, रोईदा पे बच्चे के की करा किजे, कहाँ बैठे हम, क्या कह रहे हैं, आटा दे रहे हैं, नहीं देंगे, अभी नहीं दे रहे, कह रहे बारिश रुकेगी बाद में देंगे। छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं बारिश में, शदीद बारिश में, और बच्चे रो रहे हैं, सुबह आठ बजे, क्या कह रहे हैं अभी आटा नहीं दे रहे, छह बजे के बैठे हुए हैं, कोई बात ही नहीं सुन रहा, कोई पिछले अंदर चले जाते हैं, कोई बात सुनता ही नहीं है, जलील कर करके तो आप सुकून से बैठ गए, हम बैठे व्यवहार तो मैं किसी के साथ आई थी, अगले दिन भी आई थे ना, नहीं सुने आदमी आई थे ना, मेरा हूँ मैं भी, बेटियां हैं 6 एक बेटा है, वो अपनी फैमिली का इंतजार कर रहे हैं, हम इधर रो रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आटा लेके आ रही है माए, सभी कह रही हम किसी से किराया लेकर आई हैं और इसी उम्मीद पे कि यहाँ हमें आटा मिलेगा और अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। कितना किराया कितना लग गया? 500 रुपया। 500 किराया लग गया आपको, आटा अगर फ्री मिल भी जाता तो उसका फायदा क्या होगा? कोई भी नहीं, काफी उम्र रसीदा है, उन्हें ये भी अंदाजा नहीं है कितने। अच्छा पाकिस्तान बनने तो पहले दे आए? क्या पाकिस्तान बने ना, वो भी आ गए। अच्छा होते अच्छा, इंडिया के केड़े शहर जो आए थे तुम? पंजाब जो आए थे? जलंधर जो आए, होशियारपुर जो, जलंधर जो आए तुम?
ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ 11:30 ਅਭੀ 11:30 ਹੋਏ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕੋ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਏ ਔਰ ਕੱਲ ਆਏ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਲੋਕੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਜਾਤੇ ਇਨਕੇ ਪਾਸ इनके पास सारे अभी देखे कल इलेक्शन हो जाए तो इनके घरों में आएंगे रात को आगे इनके पांव पड़ेंगे वोट के लिए लेकिन इस वक्त इनकी मजबूरी आप देखें ये सारे कैसे यहाँ पर सारे जवान लोग देखा ना तो हमारा मीडिया इस तरह की कवरेज करता दिखाता है और ना ही यहाँ के जो हमारे सियासी लीडरान है इनकी बैग पर पड़े होते हैं इनके हक के लिए इनकी आवाज उठाने के लिए तो ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है पाकिस्तान की कल को आपके पास आएंगे आपने फिर इन्हीं बेगैरत लोगों को इन्हीं करप्ट लोगों को इन्हीं लोगों को आपने फिर वोट देना है और हमें ये आटे के लिए ये भिखारी बना दिया इन लोगों ने वोट देना है लेकिन अच्छे बंदे को आपने फिर किसी को दे रहे हैं किसी को दे रहे बारिश में तो नहीं मोबाइल सिस्टम काम कर रहा है हमारा मोबाइल सिस्टम काम कर रहा है आपका क्यों नहीं कर रहा है ओपन बैठे हैं हमारे कंप्यूटर ओपन है आप इधर कंप्यूटर लगा के इधर देना शुरू करें तो आम मुतलका है काम से बात करें आप कौन है आप भी मुतलका है काम में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ रहनमाई कर रहा हूँ सब लोग कंपन का मुजाहरा करें ठीक है वैसी बारिश खत्म होगी काम दोबारा शुरू कर दो बारिश हो रही है आप देखें उसने बोला 7:30 बजे इंतजार कर रहा हूँ 7:30 बजे आ जाए टाइमिंग बता रहा हूँ टाइमिंग 7:30 बजे जो लोग रह जाए वो 7:30 बजे रमजान में बात करनी चाहिए ना जुमा कुरान नमाज पढ़ना चाहिए मुर्दाबाद करने मुर्दाबाद हो गए तीन घंटे से यहाँ पर एक भी इंतजामिया का बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं ये लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर खड़े अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट किया कि अभी लोग घर से वापस चले जाएं और सुबह 7:30 बजे दोबारा आए वापस मैं यहाँ खड़ा हूँ मैं फुकर दफ्तर मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ मैं निकला नहीं हूँ दफ्तर से जूते देख लें मुझे खुद देख लें मेरे कपड़े देखें किस तरह गीले हैं मैं एक सेकंड के लिए मौजूद और उस तेज बारिश में यहाँ मौजूद रहा हूँ बारिश आई है मैं वहाँ मौजूद था अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भाई जिसके अंदर बच्चे बूढ़े जवान लंगड़े लूले भाई सभी के सभी जो है आटे की लाइन में लगे पड़े हैं ये वही देश है जो इस्लाम के नाम पे बना था और कलमा पढ़ता है और आज वही लोग अपना नमाज का समय छोड़कर आटे की लाइन में लगे हैं और बारिश आ रही है औरतें रो रही है महिलाएं रो रही है बच्चे आटा मांग रहे हैं लेकिन भाई पाकिस्तान की सरकार के ऊपर जू तले नहीं देखती उन्हें फिर भी भारत में आतंकवाद फैलाने के तौर तरीके चाहिए दोस्तों बड़ी हंसी आती है हंसी बोलूंगा इनके हुक्मरानों के ऊपर और आंखों में आंसू आते हैं ऐसी जनता को देखकर कि यार तुम लोग क्या हालत बना दिया पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत भाई शायद पहले कभी देखी होगी लेकिन आने वाले समय में हम पाकिस्तान के और बुरे हालात देखने वाले हैं क्योंकि तो पाकिस्तान भाई जितना पैसा पब्लिक के लिए लगाना चाहिए था उस पैसे को हथियार खरीदने आतंकवाद फैलाने में यूज कर रहा था अब पाकिस्तान के पैर घुटने बिल्कुल धरती में टिक चुके हैं खाने के लिए आटा नहीं रहा इनके पास दोस्तों क्या आपको एक मौका मिले भाई पाकिस्तान के लोगों को एक आटे का कटोरा देने का और वो बोले हम तो बॉर्डर पे आके इंडिया से आटा खरीदेंगे या आटा लेंगे भीख में तो कितने लोग हैं भाई जो इंडिया से पाकिस्तानियों को एक कटोरा आटा देने के लिए रेडी है प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप कितना कटोरा आटा पाकिस्तानियों को देने दान देने के लिए भीख देने के लिए रेडी हो 1, 2 या 3 दोस्तों मिलता आपको अगली वीडियो में आपके कमेंट जरूर पड़ेंगे भाई तो कमेंट कर देना जय हिंद।